Welcome dear students in RCI Education Hub Bansur online classes. Today we see previous classes video summary. We see already five periodic trends in a periodic table, modern periodic table. That is, I first you remember atomic radii. Then you see ionic radii. After this you see ionic potential. After this you see electron affinity. And in next we see previous classes electronegativity. Five factor we can see in periodic table. What will be the concept to learn this very easily? Today we discuss in summary. In periodic table, you already see students, two direction is comes, that is period, left to right you go, that is called periods. क्या कहलाते हैं? Seven period होते हैं और up to down जाते हैं, ये क्या कहलाते हैं? Groups. क्या कहलाएंगे? Groups कहलाएंगे. Okay. अब आपको देखना है periods में one by अपन अब देखेंगे atomic radii, ionic radii, IP, EA और EN पर है क्या इफेक्ट पड़ता है. अगर आपने radio तो यहाँ से कर दिया है, ये वाली सारणी आपको क्या करनी है? Save करनी है in your mind. आपके mind में save होनी चाहिए. अगर आपको याद करना है trends को तो one trend पूरा complete इस video में आपको मिल जाएगा. Okay. देखिए periods में अपने देखा था atomic radii, इधर से इधर जाने पर क्या हो रहा है वो आप देखिए. एटॉमिक रेडियस, दूसरा आयोनिक रेडियस, ओके, आयोनिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी. पांच ट्रेड हैं वो पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव इंक्रीज होने से सो साइज डिक्रीज होने से दोनों फैक्टर वर्क करने के कारण यहाँ पर है. मैन दोनों के कारण है लेफ्ट टू राइट जाने पर और आयनिक रेडियाई, आयनिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो होती हैं उन पर डायरेक्टली प्रभाव पड़ रहा है. और क्या हुआ, ये सभी क्या हो जाती हैं इधर से इधर जाने पर इनक्रीज, सॉरी जाने पर क्या हो जाती हैं. देखिए अलग अलग ट्रेड है, एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई जो होती हैं ये दोनों लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या इफेक्ट शो करेंगी. अब देखिए लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई जो होती हैं स्टूडेंट्स ये क्या हो जाती हैं? डिक्रीज हो जाती हैं, यानी घट जाती हैं. क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएंगी. बट आयनिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो एलिमेंट्स होती हैं डियर स्टूडेंट्स ये क्या हो जाती हैं? इंक्रीज हो जाती हैं. क्या हो जाती हैं? ये इंक्रीज हो जाती हैं. दो ग्रुप बन गए यहाँ पर, दो होती हैं डिक्रीज हो जाती हैं, जबकि तीन क्या हो जाती हैं? ये थ्री आर इंक्रीज हो जाती हैं. ये अपने बेसिक फंडामेंटल यहाँ से हो गया. सेम अपने को यहाँ पर भी देखना है, आप ऑलरेडी देख चुके हो. ग्रुप के अंदर अप टू डाउन जाते हैं, अप टू डाउन जा रहे हैं. ग्रुप में कहाँ जाते हैं अपन? अप टू डाउन यानी ऊपर से नीचे की तरफ जाते हो. उसके अंदर आप हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम तक की तरफ जाते हो. ये ग्रुप अप टू डाउन होता है. जेड इफेक्टिव का मान जो होता है, जेड इफेक्टिव का मान क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है. सो साइज भी क्या हो जाता है स्टूडेंट्स? साइज इंक्रीज हो जाता है. क्या हो जाता है? अब साइज इंक्रीज हो गया है यहाँ पर तो क्या क्या प्रभाव पड़ेगा इन प्रॉपर्टीज के ऊपर देखिए आप. सो एटॉमिक रेडियाई जो होती है, एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई ये यहाँ पर क्या हो रही थी? डिक्रीज हो रही थी. यहाँ पर उल्टा होगा, एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई ग्रुप में जाने पर क्या हो जाती हैं? दोनों इंक्रीज हो जाती हैं. बट ये वाली आयनिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी
और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप में अप टू डाउन जाने पर है, यहाँ पर क्या हो रही थी इंक्रीज, तो यहाँ पर क्यों उल्टे जाती है, इसकी डिक्रीज हो जाती है। ओके, ये वाली ट्रेंड है उसका सब्सनल केस को छोड़ करके, ये सारे के सारे ट्रेंड पर मोस्टली मोटे मोटे रूप से आप इसमें कह सकते हैं कि ये लागू होता है, ये फॉलो करते हैं मोस्टली, कह सकते हैं कि ये फॉलो होता है। ओके, तो आपने देखा समरी रूप में अपन इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं कि कौन ग्रुप में क्या हो रहा है, कौन डिक्रीज हो रहा है, कौन सा इंक्रीज हो रहा है, आप इसको मेमोराइज कर सकते हैं। ओके, तो इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रेडिक्ट ट्रेंड्स, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। थैंक यू, आपको ये पसंद आया है, आप इसको समझ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।